और चलिए अब आपको बताएं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में पेसा कानून को लेकर दिल्ली में एक बैठक हो रही है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के पेसा कानून के पांचवी और छठी अनुसूची में संवैधानिक प्रावधान है। ये भारत की जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में पेसा कानून को लेकर यह बैठक काफी अहम झारखंड के लिहाज से भी। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए ये पेसा कानून को लेकर बैठक चल रही है दिल्ली में और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। झारखंड के लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम। आप बिल्कुल देखिए, झारखंड एक आदिवासी प्रदेश है और इसी को लेकर के बिहार से अलग किया गया था। कहा यह जा रहा है कि जो पेसा कानून है उसको किस तरह से लागू किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए ये कानून 1996 में बनाए गए थे, लेकिन इसके जमीनी स्तर की अगर आप बात करते हैं और जमीन की अगर बात करें तो आपको देखेंगे कि वहाँ कई तरह के कंट्रोवर्सी है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के हो या फिर पंचायती राज हो या फिर ये कानून को लेकर, दोनों के बीच में टसल चलता रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार की ये पहल ये है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और जो आदिवासी जनजाति विभाग के मंत्रालय हैं, दोनों के बीच के एक समन्वय होनी चाहिए। तो आज दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों मंत्रालय के मंत्री यहाँ मौजूद थे, सभी प्रदेश के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट के वो भी यहाँ मौजूद थे। और ये पूछा गया है कि आखिर कहाँ दिक्कतें हो रही है इस कानून को लागू करने में या फिर जनजाति के जो विस्तार हैं उसको लेकर के या उनके सुविधाओं को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से ये कानून बनाए गए थे उस पर सही मायने में पहल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए इस पेसा कानून में समन्वय की बनाने की जरूरत थी और उसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको इम्पैक्ट किस तरह से पड़े ताकि उनका विकास हो, उनका विस्तार हो, इसको लेकर के आज बैठक है। अभी बैठक जारी है। अभी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह यहां से गए हैं और क्योंकि ये बैठक कंटिन्यू तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2 बजे तक चलेगी। अर्जुन मुंडा जो जनजातीय भारत सरकार के मंत्री हैं वो यहां मौजूद हैं। उनका कहना ये है कि हम लोग को आपस में समन्वय बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट या फिर उनको लेकर के काम नहीं किया गया है, जनजातियों को लेकर के, आदिवासियों के लेकर, उनके उत्थान के लिए, लेकिन जो काम होने चाहिए थी वो काम नहीं हो पाया। इसलिए पेसा का विस्तार और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार किस तरह से हो, इसीलिए आज 25 सालों के बाद यह पहली बैठक बनाई गई, बुलाई गई है ताकि उनके विस्तार किया जाए, उनका विकास किया जाए। और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जहां दिक्कतें हैं उनको खत्म किया जाए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए अमर, और भी अपडेट्स लेंगे इस बैठक को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है दिल्ली में, पेशा कानून को लेकर ये बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।